हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दोस्तों, इन दिस स्पेशल क्लास आई विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन सोम। सोम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोस्तों मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये PYQ सीरीज है जिसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों ही ब्रांचेस के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। तो दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं, सिविल ब्रांच के बच्चे भी देख सकते हैं और मैकेनिकल। इसके अलावा PI ब्रांच और बाकी जितने भी ब्रांचेस के अंदर सोम आता है वो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। नाउ सो इन दिस सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, माइंड इट इज ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ का फुल फॉर्म है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केवल यही हमें यहाँ पे करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों लेक्चर की। दिस इज द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। विक्रम भाई, आप लोगों के लिए नहीं है ये, आप लोग प्लस वाले हो, आप लोग जाइए, आपको अलग से कराऊंगा मैं। ये यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। हाँ, गुड। सो दोस्तों, दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी बाय फॉलोइंग दिस लिंक। आप इस लिंक को क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक है unacademy.com/@gaurav-babu2000-577। हाँ, शाम को विक्रम भाई। बाकी बेटा यूट्यूब वाले प्लस वाले बच्चे जा सकते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज द ईमेल आईडी, ये मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेल पे। इसके अलावा मेरा नंबर नोट कर लीजिए, लेक्चर के बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो माई नंबर इज 9897104566। बेटा हितेश भाई, एक दो दिन में हो, मतलब दो तीन दिन और गुजर रहे हैं। एक्चुअली भाई देखो, मैंने आपसे बोला था उसको मैं पढ़ाऊंगा स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड पीछे लगा हुआ है बट उसका कैमरा भी रिसीव नहीं हुआ है, लॉकडाउन की वजह से चार दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए उसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। बट वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में स्मार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बाकी दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे आप जाएंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी ये कुछ स्टूडेंट्स के डेडिकेशन हैं, इनको एक बार देखिए क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तो आपको आइडिया लगेगा थोड़ा सा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। बाकी अगर आप ESE का गेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज माई कोड GPS लाइव। वन मोर कोड आई एम टेलिंग यू टूडे, दैट इज SPGAURAV। ये कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कोड मेरे हैं, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको सब्सक्रिप्शन समझने में, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, डायरेक्टली कॉल करिए मुझे, मैं खुद ही आपको कॉल बैक करूंगा। शिवांश पांडे, शिवांश बेटा आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो या प्लस के सब्सक्राइबर हो? गुड आफ्टरनून शिवांश। बाकी हाँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज माई कोड। चलिए तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की फटाफट से। बाकी इफ यू आर यूजिंग माई कोड तो दीज सम बेनिफिट्स विल गेट फ्रॉम माई साइड, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो PYQ सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों ये, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और फिर इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सारे क्वेश्चन हमें कर रहे हैं वन बाई वन। नाउ देखिए दोस्तों, टू आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड्स ऑफ सेम डायमीटर एंड सेम लेंथ। आपके यहाँ पे दोस्तों मतलब जो आप आंसर लेके आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे मैं पोल भी स्टार्ट कर देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बता भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट करेंगे पहले और आप लोग मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं। 30 सेकेंड में आपको देता हूँ। टू आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड ऑफ सेम डायमीटर एंड सेम लेंथ are subjected to same magnitude of axial tensile force. One of the rod is made out of mild steel having the modulus velocity 206 gigapascals. Steel की जो rod है, उसका modulus velocity कितना दिया हुआ है? 206 gigapascals. Cast iron वाली rod का modulus elasticity दिया हुआ है, हंड्रेड जीगा पास्कल।
पोल का रिजल्ट आ चुका है, यशवंत और सुभान शिवम और शिवम पांडे ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। देखते हैं कैसे 2 मिनट लग। बेटा अगर आप मेरे यूट्यूब के रेगुलर फॉलोअर है और यूट्यूब पे मैंने सॉन्ग पढ़ाया तो आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वो यंग्स मॉडुलस वेलासिटी होता है वो क्या बताता है, वो हमें रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बताता है। क्या बताता है? द फिजिकल मीनिंग ऑफ यंग्स मॉडुलस इज वॉट, इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ये एक तरह की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के प्रति रेजिस्टेंस को शो करता है ई। तो बेटा सारी कंडीशन सेम है, बोल रहा है कि दो रॉड है, एक रॉड स्टील की है यरी साहब, एक रॉड कास्ट आयरन की है यरी साहब, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ लोड लगाया गया है, यरा साहब पी लगा दिया लोड, दोनों के अंदर दोनों का एरिया सेम है तो ऑब्वियसली बात है दोनों के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस सिंपली पी बाई ए, दोनों का एरिया भी सेम है, पी सेम ए सेम तो स्ट्रेस सेम। पूछ रहा है फाइनली द स्ट्रेस डेवलप विद इन द प्रोपोर्शन लिमिट आर रिलेटिव मटेरियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, बोथ रॉड इलॉन्गेट बाय द सेम अमाउंट, बिल्कुल नहीं, माइल्ड स्टील रॉड इलॉन्गेट मोर देन कास्ट आयरन, देखते हैं चलो कास्ट आयरन इलॉन्गेट मोर देन, देखते हैं एक बार, एज द स्ट्रेस आर इक्वल द स्ट्रेस, बिल्कुल गलत। अब दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, जिस जिस मटेरियल का ई ज्यादा होगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन उतना ही कम होगा, ये पढ़ा रखा है मैंने अपने सोम के लेक्चर्स में जो यूट्यूब पे पढ़े हुए। तो बेटा किसका ई किस क्या देख पा रहे हैं हम लोग? कास्ट आयरन का ई कम है, माइल्ड स्टील का ई ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है माइल्ड स्टील कम इलोंगेट करेगी, माइल्ड स्टील कम इलोंगेट करेगी, देखते हैं आंसर आ जाएगा, उस रटने की जरूरत ही नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। बेटा हमारा एक चैनल है लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी, वहां पे बेटा 21 लेक्चर सोम के पड़े हुए हैं, 21 लेक्चर्स, वो बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं बेटा एक बार उन लेक्चर्स को देखिए, मजा आना आ जाए तो बताना मुझे, एक बार उन लेक्चर्स को देखिए जाके, 21 लेक्चर्स आर देयर, मार्च में स्टार्ट किए थे मैंने, उनको एक बार देख लो। और मैं फिर बहुत वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट फुल फ्लैश, मतलब मैं 22 लेक्चर से दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ उसी सीरीज को। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा उस पर करिएगा, द फिगर बिलो शोज अ स्टील रॉड ऑफ 25 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लोडेड एट द 4 point KLMN, अज्यूम ई ऑफ स्टील 200 GPa, द टोटल चेंज इन लेंथ इन द रॉड ड्यू टू लोडिंग इज, मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर बना देता हूँ आगे वाले पेज पे, दिस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, एक रॉड है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है मेरे वीडियोज में, जो 21 लेक्चर पड़े हुए हैं उनको देखिए एक बार, ALD मेथड, एक्सियल लोड मेथड, एक्सियल लोड मेथड से ऐसे क्वेश्चन 54 भर के हो जाते हैं और ऐसे सॉल्व होते हैं चुटकियों में, तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिए जाके। नाउ क्या है साहब, KLMN जगह KLMN पे लोड लगा हुआ है, KLMN ये 4 point है, इन 4 point पे लोड है, यहाँ पे लोड है 100 kN का, 100 N का, यहाँ पे लोड है 250 N का, यहाँ पे लोड है 200 N का, और यहाँ पे लोड है 50 N का। पूछ रहा है इस बार का टोटल चेंज इन लेंथ बताइए था, इस बार का टोटल चेंज इन लेंथ बताइए, इसके अलावा ये वाली लेंथ आपको 500 mm दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लेंथ आपको 400 mm दे रखी है, ये वाली लेंथ आपको 1700 mm दे रखी है, 1700। ठीक है पूछ रहा है टोटल चेंज इन लेंथ, बेटा ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 17 में से 500 और 400 900 माइनस करो तो 800 आ जाएगी, ये वाली लेंथ 800 mm आ गई। उसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सियल लोड डायग्राम मेथड, माइंड इट प्लीज, एक्सियल लोड डायग्राम मेथड बेटा यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा, उसको एक बार देख लेना। एक्सियल लोड डायग्राम होता क्या, कुछ नहीं करना आपको, देखो मैं यही बना देता हूँ एक बार आपके लिए, जैसे ही ALD बनेगा तो हमें हर इंडिविजुअल पार्ट के अंदर लोड की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी आप देख पा रहे हो कि जो LM पार्ट है उसमें 250 और 200, कुछ लोग बोलेंगे डिफरेंस निकाल लो 50 लग रहा है इसमें, नहीं बेटा गलत है ये, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि LM पार्ट में अगर हम आपसे लोड पूछूं कि LM पार्ट में लोड कितना है,
तो आप बोलेंगे 250 में 200 माइनस कर दो 50 है, नहीं गलत, ये लोडिंग डायग्राम होता है, लोडिंग डायग्राम से नहीं पता चलता, पता चलता है किससे, पता चलता है ALD से, एक्सियल लोड डायग्राम से, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बार बेटा प्लीज मेरा वो वीडियो एक बार विजिट कर लो, बिलीव मी मैंने वहाँ कहीं भी कमी नहीं रखी है, आपको सारे वीडियो अच्छे लगेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से SFD BMD बनाते थे, उस तरह से उसको बनाते हैं, इधर वाले लोड जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं उनको आप पॉजिटिव मानिए, इधर वाले लोड्स को आप पॉजिटिव मानिए, जो राइट हैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं उनको आप नेगेटिव मानिए, बस खत्म, और पूरा ALD बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यस शुभम, शोभना शिवम, शोभना शिवम ये मैंने पढ़ा रखा, मे भी शायद आपने देखा हो। तो देखो दोस्तों, जैसे हम K पे पहुंच रहे, हमारी मुलाकात इस 100 लोड से हो रही है, 100 लोड लेफ्ट हैंड की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव साइड में बना दो, ये रहा था, डंडा बना दो, लिख दो 100, फिर K से लेके L तक कोई लोड नहीं मिला, कॉन्स्टेंट बना रहा, यहाँ तक कॉन्स्टेंट, कितना बना रहा 100, फिर जैसे ही हम L पे पहुंचे, हमारी मुलाकात 250 से हुई, 250 किधर इशारा कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, हमारे डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव, तो बेटा 100 में से 250 जाएंगे तो कितना बचेगा, 150, वो भी क्या था, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इस लाइन के नीचे नेगेटिव होता है, तो ये हम नेगेटिव 150 हो गए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टेंट, कोई और लोड हमें रास्ते में नहीं मिला, फिर हम M पे पहुंचे, M पे हमारी मुलाकात हुई 200 से, 200 इधर इशारा कर रहा है, पॉजिटिव है, तो माइनस 150 माइनस 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा, प्लस 50 में 50 हम आ गए वापस लौट के, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टेंट, कोई लोड हमें रास्ते में नहीं मिला, जैसे हम पहुंचे N पे हमारी मुलाकात हुई 50 थे, जो कि इधर इशारा कर रहा है, इधर का मतलब नेगेटिव, राइट हैंड की तरफ इशारा कर रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव 50 नेगेटिव 50 मिलके हो गया 0। इस तरह से ये दोस्तों हमारा बन गया ALD, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा। यानी कि दोस्तों नेगेटिव साइन मैंने डाल दिया, मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया और यहाँ भी पॉजिटिव लिख दिया। जैसे ही ALD बना, इसको बोलते हैं एक्सियल लोड डायग्राम, जैसे ही ALD बना दोस्तों पूरी पिक्चर क्लियर हो गई और मुझे समझ में आ गया कि किस पार्ट में कितना लोड है। देखिए अगर आपका डायग्राम नेगेटिव साइड में तो इसका मतलब कंप्रेसिव लोड है, अगर आपका ये ALD वाला डायग्राम पॉजिटिव साइड में इसका मतलब टेंसाइल लोड है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो M, एक बार मैं नाम लिख देता हूं उनका, KLMN, जो KLMN वाला पार्ट है, देखो जरा KL वाला पार्ट पॉजिटिव साइड में है तो बेटा 100 लोड आ रहा है, और कैसा आ रहा है, टेंसाइल, यानी कि इसने इतने पार्ट में 100 का टेंसाइल लोड है। LM पार्ट में 150 का कंप्रेसिव लोड है, MN पार्ट में 50 का टेंसाइल लोड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, काइंडली एक बार मेरे सोम के 21 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको 54 भर के लगने लगेंगे, और मेरे बच्चों गेट का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, तो उन वीडियोस को एक बार देख लो, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर सारा मामला हो जाएगा। नाउ अब मुझे लोड पता चल चुका है कि इसमें लोड कितना है, 100 न्यूटन, इसमें है -150 न्यूटन, इसमें है 50 न्यूटन। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है टोटल इलोंगेशन बताओ, तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा दोस्तों, टोटल इलोंगेशन इज इलोंगेशन ऑफ बार KL प्लस इलोंगेशन ऑफ बार LM KLMN, LM इलोंगेशन ऑफ बार MN, यानी ये वाले पार्ट को एक अलग पार्ट मान लिया मैंने, ये वाले पार्ट को अलग पार्ट मान लिया, ये वाले पार्ट को अलग पार्ट मान लिया, सबके लोड हमें पता है। एलोंगेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है PL/AE, पढ़ा हुआ सब लोगों ने, किसने पार्ट के लिए, KL पार्ट के लिए। सिमिलरली PL/AE कितने पार्ट के लिए, LM पार्ट के लिए। सिमिलरली PL/AE कितने पार्ट के लिए, MN पार्ट के लिए। दोस्तों AE सब में कॉमन है, क्योंकि देखो एरिया सबका सेम है और यंग्स मॉडुलस भी एक ही दिया हुआ, मतलब पूरी बॉडी का यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो AE को तो आप ले लो कॉमन, तो 1/AE तो मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा बेटे, अंदर बचा PL किसका, KL वाले पार्ट का, PL किसका, LM वाले पार्ट का, PL किसका, MN वाले पार्ट का, MN वाले पार्ट का। सारी वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, जस्ट पुट करनी है। 1/एरिया दिया है 25 mm square,
ई की वैल्यू दे रखी है 200 GPa, जिसको मैं लिख सकता हूँ 200 × 10³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, या 2 × 10⁵, एक ही बात है। पी की बात करें दोस्तों, के एल पार्ट में पी की वैल्यू आ रही है 100 न्यूटन, चेक करो तेरा 100 न्यूटन। लेंथ कितनी इतने पार्ट की 500 mm, एज इट इज रख दिया मैंने। फिर LM पार्ट में जो P की वैल्यू आ रही है -150, लेंथ कितनी उतने पार्ट की 800, चेक करो ये रहा -150 लोड आ रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है, नेगेटिव साइड में गया है, और लेंथ कितनी है इस पार्ट, इतने पार्ट की 800 mm। उसके बाद E वाले पार्ट, MN वाले पार्ट में P की वैल्यू कितनी है 50, और L की वैल्यू दे रखी है 400। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस वैल्यू विल बी कमिंग आउट, ये वैल्यू आएगी माइनस, ये वैल्यू आएगी -0.01 mm। चेक करिए एक बार यार, मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ, हाँ इतनी ही आएगी। बाकी मैं एक बार फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ, 100 × 500 − 150 × 800 + 50 × 400 / 25 / 200 / 10³। यस सेम आ रही है बेटा, ये आ रही है। अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सारे माइक्रोमीटर में है, ऑप्शन सारे माइक्रोमीटर में है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बड़ी यूनिट कौन सी है, एमएम बड़ा होता है कि माइक्रोन बड़ा होता है, एमएम बड़ा होता है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करूंगा मैं, तो -0.01 mm को मैं माइक्रो में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, × 10³ कर दिया, क्या आ गया माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बेटा -10 μm, -10 μm, तो दिस इज द टोटल एलोंगेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, दोस्तों प्लीज ये तो गेट का 54 का क्वेश्चन है। देखिए मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ जो वाकई में मतलब सबप्रेशन नहीं ले पा रहे हैं इनकेस, या जिनको दिक्कत है पैसे की, तो बेटा मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे बच्चे जो वाकई में नहीं ले पा रहे हैं पर जिनके पास पैसे की दिक्कत है, मेरी बात सुनिए। मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ उस चीज को कि जो मैंने सॉम पढ़ाया हुआ है, 21 लेक्चर पढ़े हैं, उसको देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि इतना लेवल का मतलब इतना डेप्थ में सॉम नहीं पढ़ना होता है नॉर्मली, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं फ्री में बच्चों को वो चीज़ दे दूं। तो वो बच्चे जो जिनके पास पैसे नहीं है, नहीं ले पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो उन वीडियो को देखिए, 21 वीडियोज हैं, और वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉम ऑन द यूट्यूब ओनली, यूट्यूब पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और फुल फ्लेश के साथ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से, और उसमें मैंने इतने न्यूमेरिकल कराए बेटा, 21 वीडियो को देखिए आप, आपकी दम निकल जाएगी, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा कि इससे ज्यादा पढ़नी नहीं है हमें, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ आपके भले के लिए बेटा, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी आते हैं बस आके हवाबाजी करके निकल लेते हैं, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं, पैसे जिनके पास नहीं है इनके, तो बेटा यहाँ पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ा दूंगा कि आपका अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा। बाकी जो वाकई में सीरियस है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग प्लस पे आ जाओ। चलिए दो क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको भी अभी रहने दो, है बहुत इजी बट अभी रहने दो, क्योंकि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉम में नहीं रखता मैं। इधर आते हैं अब, ये क्वेश्चन सॉम का, इसको देखते हैं एक बार। तो बिलो फिगर शोज अ रिजिड बार हिंज्ड एट ए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैंने उस सीरीज में अपने उसमें 21 वीडियो में करा रखे। बिलो फिगर शोज अ रिजिड बार हिंज्ड एट ए, ये एक रिजिड बार है दोस्तों, ये जो हिंज यहाँ पे ए पॉइंट पे हिंज है। ठीक है, सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय टू वर्टिकल आइडेंटिकल स्टील वायर्स, ये टू आइडेंटिकल स्टील वायर्स हैं। ठीक है, नेगलेक्ट द वेट ऑफ द बीम, द टेंशन T1 and T2 इंड्यूस इन दिस वायर बाय द वर्टिकल लोड पी अप्लाइंग शोन फिगर। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, इसको एक बार देखिए, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। अंकित रस्तोगी, नमस्ते बेटे, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार बेटा। तो एक बार मैं क्लियर डायग्राम बना दे रहा हूं थोड़ा सा।
ताकि आपको पिक्चर देखने में मजा आए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का एक बार दिया हुआ है आपको। इस पॉइंट पे ये हिंज है, इसके अलावा ये दीवार पे कहीं ऊपर इस तरह से वायर की हेल्प से लटका हुआ है। अब इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये बीम ऐसे तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, तो ऐसे करके घूम जाएगा, ये नीचे गिर पड़ेगा। तो इसको पकड़े रहने के लिए वायर्स लगाए गए हैं एज पर दी क्वेश्चन। तो वो दो वायर्स बेटा कुछ इस तरह से हैं, लाइक दिस, एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक पी लोड है, पी एक पी लोड मिड पॉइंट पर इस तरह से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये रहा साहब, पी लोड लगा दिया मैंने यहां से नीचे, पी लोड हमने अप्लाई कर दिया लाइक दिस, दिस लोड इज पी। उसके बाद बेटा डायमेंशंस का बहुत बड़ा खेल है, ये पॉइंट ए है एज पर द क्वेश्चन। और डिस्टेंस देख लें एक बार, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल बी है। अब दोस्तों इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब हम पी लोड लगाएंगे तो ये पी लोड इस बार को, ये रिजिड बार है एज पर द क्वेश्चन, ये बार रिजिड है। रिजिड का मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, गोल नहीं हो जाएगी। इट कैन रोटेट बट डायमेंशनल चेंज शुड नॉट बी देयर, कोई डायमेंशन चेंज नहीं होगी। निशांत कुमार बहुत बहुत नमस्कार, प्रवीण कुमार बहुत बहुत नमस्कार बेटे। देखिए आगे, अब डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए आप, टेंशन टेंशन डेवलप होगी, इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे टेंशन आएगी, यहाँ पे भी टेंशन आएगी। और ये T1 है और ये T2 है, ये वाली टेंशन को वो T1 बोल रहा है, ये वाली टेंशन को वो T2 बोल रहा है। इसके अलावा और क्या दिया है, और क्या दिया है, एल एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी एल है, और तो कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, टेंशन आपको बतानी है, फटाफट से इसको बताइए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, आशीष यदुवंशी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रटना नहीं है। जब भी हिंज वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई इस तरह से, ये इस पॉइंट पे हिंज है और ऐसे करके घूम सकती है ना। अब ये पी लोड ऐसे लगाया गया बीच में और इसको नीचे खींच रहा है, तो मेरे दोस्तों इस बार को आप नीचे खींच डालो और एक रिलेशन निकालो। क्या रिलेशन है बताता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दिस लोड पी, ये जो बार है बेटा ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखो सब लोग ध्यान से, ये टिल्ट हो सकती है लाइक दिस लोड पी की वजह से, बट इट कैन नॉट बेंड, बेंड नहीं करेगी, इसका एक्सिस हमेशा जैसा था वैसे ही रहेगा, बेंडिंग नहीं बोलेंगे इसको, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। ये पी लोड ऐड करने की वजह से नीचे आ गई इस तरह से। ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो ये बी पॉइंट खिसक के आ जाएगा बी डैश पे और ये सी पॉइंट खिसक के आ जाएगा सी डैश पे। साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे बच्चों क्या आप देख पा रहे हैं कि ये बी बी डैश और सी सी डैश कुछ और नहीं, अगर मैंने इसको वायर नंबर वन बोला है और इसको मैंने वायर नंबर टू बोला है, तो बी बी डैश इज द इलोंगेशन, इलोंगेशन हो गया वायर के अंदर, इलोंगेशन हो गया वायर के अंदर। तो जो बी बी डैश है वो कुछ और नहीं है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस बनी बेटा ये कुछ और नहीं है, ये वायर वन का इलोंगेशन है। तो बी बी वन या बी बी डैश इज नथिंग बट क्या, ये इट इज द इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ वायर वन, एंड सिमिलर टू दैट सी सी डैश इज द इलोंगेशन ऑफ वायर टू। साफ साफ दिख रहा है। अब मेरे बच्चों एक चीज और समझिए, अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल इमेजिन करूं तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल मुझे दिखाई देगा, देखना जरा।
समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट तो ये हो गया, इस पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये बन गया हमारा बी बी डैश और ये बन गया सी सी डैश। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया सी सी डैश। अब मेरे बच्चों क्या करना है मुझे, ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में हमें यूज करनी है बेटा जरा, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से हम रिलेशन निकाल पाएंगे दो मिनट के अंदर अभी। तो देखिए दोस्तों रिलेशंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज ए, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज बी। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं बेटा, ए बी अपॉन बी बी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन सी सी डैश। कर सकते हैं वैसे, कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी बी डैश ए सी अपॉन सी सी डैश। ए बी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, ए बी की जगह पे बेटा मैंने पुट कर दिया, ए बी की जगह पे मैंने ए लिख दिया डिवाइडेड बाय बी बी डैश को। बी बी डैश क्या है, इट इज द डेल्टा वन, इलोंगेशन इन वायर वन, डेल्टा वन बोल दिया। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल बी। सी सी डैश क्या है, इलोंगेशन इन वायर टू। तो हमें डेल्टा वन डेल्टा टू के बीच का एक रिजल्ट मिला पोस्ट, इसको मैंने आगे लिख दिया बेटा ए अपॉन डेल्टा वन इक्वल टू बी अपॉन डेल्टा टू। यहां से आ गया डेल्टा टू इज इक्वल टू बी बाई ए डेल्टा वन। डेल्टा क्या होता था, डेल्टा होता है पी एल अपॉन ए, किसका था, किसका पी एल अपॉन ए, वायर नंबर टू का। बी अपॉन ए को एज इट इज छोड़ दिया हमने, डेल्टा वन क्या हो जाएगा पी एल अपॉन ए, किसका, वायर वन का। अब क्वेश्चन ने बोला है कि वायर वन, एक बार पढ़ लेते हैं, वायर वन और टू इट आइडेंटिकल वायर है लिखा हुआ है, आइडेंटिकल स्टील वायर्स। आइडेंटिकल का मतलब इनका मटेरियल सेम है, इनकी लेंथ और एरिया भी सेम है। तो मेरे बच्चों ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, लेंथ वाला पार्ट भी कैंसिल आउट। तो यहां से पी टू इक्वल टू बी बाई ए पी वन आ गया, और पी टू इज नथिंग, पी टू इज द लोड एक्टिंग इन वायर टू, जिसको क्वेश्चन ने नाम दिया हुआ है टी टू, टेंशन, टेंशन इन वायर टू, टेंशन इन वायर टू इज द बी बाई ए, और ये हो जाएगा टेंशन इन वायर वन, इक्वेशन नंबर वन। तो हमें टी वन टी टू का रिलेशन मिल गया, एक इक्वेशन हमें मिल गई है, लेकिन अभी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं मिली कि टी वन कितना है टी टू कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता लगाने के लिए। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे ब्लंडर जो गलती है बताता हूं मैं क्या है वो, कुछ लोग क्या करते हैं टी वन प्लस टी टू इक्वल टू पी कर देते हैं, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू पी कर देते हैं, और फिर इस रिलेशन से यहां पर टी टू की जगह पे बी बी अपॉन ए टी वन लिख देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, गड़बड़ हो जाता है बेटा। नहीं, ये इक्वेशन गलत है, क्यों गलत है समझिए, ये इक्वेशन इसलिए गलत है क्योंकि आपने टेंशन T2 ले ली, टेंशन T1 ले लिया और यहाँ पे जो P लोड था वो ले लिया। बिल्कुल ठीक बात है कि ऊपर वाले लोड मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले लोड, बट यू आर मिसिंग वन थिंग हियर, दैट इज व्हाट, रिएक्शन, रिएक्शन एट हिंज पॉइंट। इस पॉइंट पे जो रिएक्शन आएगा वो आपने इसमें कंसीडर नहीं किया। ये कब सही माना जाता है, ये तब सही माना जाता है जब टी वन प्लस टी टू प्लस रिएक्शन आर ए इक्वल टू पी। अब ये इक्वेशन सही है, लेकिन जैसे आपने इक्वेशन बनाई, समझिए क्वेश्चन को, जैसे आपने इक्वेशन बनाई आपके पास तीन अननोन आ गए, T1 हमें नहीं पता, T2 हमें नहीं पता, R हमें नहीं पता, तीन अननोन आ गए और हमें तीन इक्वेशन इसके लिए चाहिए होगी, यानी हमने अपना काम और ज्यादा बिगाड़ लिया, काम बनाने की जगह हमने अपना काम बिगाड़ लिया। तो इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, बट एक और अननोन हमने ऐड कर लिया, दैट इज R। तो नो नीड, मत करिए ऐसा, जब भी हिंज का क्वेश्चन आए बेटा हमेशा याद रखो हिंज पॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो। हिंज पॉइंट पे मूवमेंट जीरो होता है, तो मूवमेंट को हिंज पॉइंट पे जीरो करो, अपने आप अंतर आ जाएगा। तो देखिए हिंज पॉइंट में मूवमेंट को जीरो करते हैं, क्या बनेगा बेटा, पी, और ये डिस्टेंस कितनी थी यहां से लेके यहां तक, एल, पी इनटू एल, पी इनटू एल इसको किधर घुमाएगा, पी इनटू एल इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा हिंज पॉइंट के अबाउट, और टी वन और टी टू इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तभी जाके मूवमेंट जीरो होगा।
पी इंटू एल इक्वल टू टी वन इंटू ए प्लस प्लस टी टू इंटू बी। चेक करो, पी इंटू एल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, फिर टी वन इंटू ये डिस्टेंस ए और टी टू इंटू ये डिस्टेंस रेंज पॉइंट से बी। सिंपल लिख लिया। अब दोस्तों यहां से टी टू की जगह पुट कर दो, टी टू की जगह पुट कर दो बी अपॉन ए टी वन। बी अपॉन ए टी वन, टी टू की जगह पुट कर दिया इंटू बी। बेटा यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया टी वन ए स्क्वायर प्लस टी टू बी स्क्वायर अपॉन टी वन, सॉरी टी वन ए स्क्वायर प्लस टी वन बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां से टी वन कॉमन ले लो दोस्तों, टी वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे बचेगा ए। टी वन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ जो आ रहा था वो पी एल था, ए का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो बेटा फाइनली जो टी वन की वैल्यू आएगी दिस इज हाउ मच, पी एल ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो वैल्यू आ गई टी वन की। अब टी टू क्या था, टी टू था बी बाई ए टी वन, टी वन की वाली वैल्यू पुट कर दो, दैट इज पी एल ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल आउट, टी टू की वैल्यू आ जाएगी पी एल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, टी वन टी एल ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी एल बी ए स्क्वायर, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हिंज पॉइंट पे मूवमेंट जीरो करना है, ये बेसिकली एक कन्वेंशनल क्वेश्चन टाइप का हो गया। बट आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी है तो बेटा मुश्किल से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, बट आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखनी है कि आप जैसे ही ऐसे क्वेश्चन को देखें फौरन कहीं ना कहीं साइड में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अ स्टील बार ऑफ 40 × 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ बार इज 2 मीटर, यंग्स मॉडुलस दिस कंस्ट्रक्ट। अरे यार कोई क्वेश्चन है जल्दी से निपटाओ उसको, कॉन्ट्रेक्शन पूछ रहा आपसे, कितना कॉन्ट्रेक्शन आएगा बार के अंदर, कंप्रेसिव लोड है, 54 भर का क्वेश्चन। यमन आप ले भाई आ गए आप, लाइक दिस दो सौ किलो न्यूटन लेंथ दे रखी है 2 मीटर यानी कि 2000 mm, mm में कन्वर्ट कर दिया, 200 GPa बेटा रट लो आज से, 200 GPa क्या होता है 2 × 10^5 मेगा पास्कल या 2 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रटना नहीं है ये सब, मैंने वहां पढ़ा रखा है डिटेल में, कैसे आता देख लेना एक बार। तो बेटा फटाफट से एलोंगेशन का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज पी एल अपॉन ई ए, पी एल अपॉन ई ए बोल दो या पी एल अपॉन ए ही बात एक ही है। पी की जगह पे बेटा मैंने रख दिया 200 × 10^3, एल की जगह मैंने पुट कर दिया 2000, ई की जगह पुट कर दिया मैंने 2 × 10^5 और ए की जगह पुट कर दिया मैंने, ए कहाँ गया 40 × 40, यहाँ से आंसर एम एम आएगा, देख लेते हैं एक बार। वन पॉइंट टू फाइव, यस बिल्कुल ठीक करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा सबका आंसर ठीक है 1.25 A। देखिए वन मोर क्वेश्चन, फटाफट से इसको निपटाई छठवें क्वेश्चन को फ्रॉम द ALD, ALD वाले डायग्राम से निपटाइए इसको जल्दी से। अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया दिस सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड पोजीशन, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इन द सेगमेंट QR, ये रहा QR में स्ट्रेस पूछ रहा है, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का।
माइनस 35 आ गया आंसर, लोड आ गया 63 माइनस 35, 28 × 10^3 किलो डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 740 मेगा पास्कल, आ गया आंसर मेरा। दो क्यूआर में पूछ रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं। अब आर हैविंग प्रोसेसिंग एरिया 7 एमएम, ठीक है बिल्कुल ठीक। तो 63 में से माइनस कर दो 35, 28 लोड निकल के आ गया। ये आ रहा सबका। अब इसमें से फिर से माइनस कर दो 49, माइनस 20 प्लस कर दो 20, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए बता देता हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आंसर इज ए, बेटा एएलडी बनाना जिसको आता है ना, ऐसे क्वेश्चन को फट से सॉल्व कर देगा, इसीलिए एएलडी सीख लेना बेटा। यहाँ आई थिंक 63 था, यहाँ फिर 35 है, फिर यहाँ 49 है, और यहाँ 21 है, यही है ना, 21, 49, 35, 63, ठीक है। एएलडी बनाना है, देखो अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, चवन्नी भर का डायग्राम एएलडी, ये लो साहब 63 इस तरह इशारा कर रहा है, पॉजिटिव चले गए ऊपर, 63 लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, इधर 35 मिला, 63 में से 35 से कितने बचेंगे 28, 63 माइनस 35 28, वहीं की लोड हमारा 28 रह गया 28, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, फिर 28 में से 49 माइनस करो, माइनस के 21, नेगेटिव में 21 चले गए हम लोग, नेगेटिव में 21, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, और फिर हमें यहाँ पॉजिटिव 21 मिल गया, दोनों मिलके जीरो हो गए, खत्म। देखिए इस पे और 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल उसने हमसे पूछा है कि स्ट्रेस बताइए क्यू आर पार्ट में, ठीक है, स्ट्रेस पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर एस। तो बेटा क्यू आर में उसने स्ट्रेस पूछी है, तो आपने लोड निकल रही है, ये रहा साहब लोड कितना 28, यहाँ से लोड नहीं पता चलता, पहले भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये लोड नहीं होते बेटा, ये तो अप्लाइड लोड है पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन सेगमेंट के अंदर कितना लोड गया वो मैं एएलडी बताएगा, एएलडी ने हमें 28 बता दिया बेटा, एएलडी ने बता दिया 28 किलो न्यूटन का लोड है, 28 किलो न्यूटन स्ट्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रेस इन क्यू आर इज 28 किलो की जगह पे 10^3 लिख दिया, एरिया दे रखा है 700, इसको सॉल्व कर लो बेटा कितना आ गया 40। चालीस मेगा पास्कल्स या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक ही बात है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि व्हाट इज द सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ रही है, तो आप कहाँ क्या आंसर बताते मुझे, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इस क्वेश्चन के लिए। तो डायग्राम साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कौन से पार्ट में, क्यू आर पार्ट में आएगी, सॉरी ये क्या है पी क्यू पार्ट में, पी क्यू फर्स्ट वाले पार्ट में, इस वाले सेगमेंट में पूछे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बताइए, तो यहां से नहीं पता चलेगा, इस डायग्राम से नहीं पता चलेगा, यहां से पता चलेगा नीचे से, ये रहा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ये हो जाएगी, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वाले सेगमेंट में हो जाएगी, ठीक है। चलिए गुड, वन मोर क्वेश्चन प्लीज, छठवां हो गया, सातवां देखिए फटाफट से, सातवां क्वेश्चन निपटाइए। 200 × 100 × 50 mm स्टील ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक वर्ड आते ही बेटा समझ जाना, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है तीनों ही डायरेक्शन में सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, जो कि दे रखा है कितना 15 मेगा पास्कल, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होती है। यंग्स मॉडुलस एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज दिस, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, 54 का क्वेश्चन जल्दी निपटाएं।
बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज वॉट, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - 2 μ/E σx + σy + σz। ये सब कैसे कैसे डेरिवेशंस हुए हैं सब मैंने पढ़ा रखे हैं बेटे। अब मेरे बच्चों कुछ मत करो, वैल्यूज पुट कर दो। 1 - 2 μ की जगह पर 0.3, 0.3 है ना, यस। E की जगह पे वही अगेन 200 GPa दिया हुआ, तो 2 × 10⁵ Nm² हो गया। σx, σy, σz बराबर दे रखी हैं जिन, तो ये हो जाएगी 15 + 15 + 15। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। (9 × 10⁵ आ रही है वैल्यू, 9 × 10⁵-5, ये स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। उसने पूछा चेंज इन वॉल्यूम बताइए, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 9 × 10⁵-5 × V। V कितना हो जाएगा, इंटू V, V की वैल्यू हो जाएगी, डायमेंशन क्या थी, 200 × 150, 200 × 100 × 50, तो इंटू 200 × 100 × 50, 90 कदम। यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्या यूनिट आ रही है, mm³, इतना वॉल्यूम चेंज होगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन प्लीज। बात हो गया, अ रॉड ऑफ लेंथ एल, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड पी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशियंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर। Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? आपको change in diameter अगर पता लगाना है तो क्या चाहिए, क्या यंग्स मॉडुलस से काम चल जाएगा, क्या बी से काम चल जाएगा, बाकी के ऑप्शन कहाँ गए कहाँ गए, ये रहे, क्या पॉइजन रेशियो से काम चल जाएगा, या बोथ यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस हमें चाहिए। सोच समझ के आंसर करेंगे। एक रॉड दे रखी है, इस पर पी लोड लगाया गया है, जिसका डायमीटर डी है, जिसकी लेंथ एल है। हेमंत भाई का आंसर है बोथ, बाकी लोग बेटा अब इट इज वेरी ऑब्वियस दोस्तों, जब हम लोड लगाएंगे तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। और डायमीटर में डिक्रीमेंट होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। तो लेंथ, चेंज इन लेंथ पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पीएल पूछ रहा, चेंज इन डायमीटर में पता लगाना है, सॉरी चेंज इन डायमीटर पता लगाना है, चेंज इन डायमीटर मुझे चाहिए। तो यानी कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अगर इस बार की मैं बात करूं तो इस बार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो गई एल, लेटरल डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमीटर। जैसे ही लेटरल वर्ड आया बेटा, लेटरल डायमेंशन क्या है, डायमीटर, जैसे ही लेटरल वर्ड आया तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, पॉइजन्स रेशियो की, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। जैसे ही लेटरल वर्ड आया हमें पॉइजन्स रेशियो की जरूरत है, दैट इज म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। तो म्यू चाहिए हमें, म्यू से क्या हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, लेटरल स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। अब म्यू हमें दिया हुआ है लेकिन हमें चेंज इन डायमीटर पता लगाना है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता लगानी पड़ेगी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एल तो हमें दिया है, डी हमें दिया है, चेंज इन डायमीटर हमें पता लगाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब डेल्टा एल कैसे निकलेगा बेटा, डेल्टा एल निकलेगा, चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है पी एल बाई ए। तो बेटा यंग्स मॉडुलस भी चाहिए,
ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें हमें शीयर हमें पॉइजन रेशियो दिया हो और ई दिया हो। तो ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, साफ साफ देख रहा है गलत हो गया। बी भी गलत हो गया, नहीं पता चलेगा साहब फिर क्या होगा साहब। सी में देखा तो पॉइजन रेशियो अकेले से काम नहीं चलेगा, ये भी गलत है। अब ये कह रहा है बोथ यंग्स एंड शीयर मॉडुलस, यानी कि ई और जी की बात कर रहा था। अब ये ई दे दिया, ये ई बोल रहा है और जी बोल रहा है, म्यू की बात तो इसने भी नहीं करी। तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जो हमारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। अगर हमें कोई भी दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट पता है, बाकी के दो इलास्टिक कॉन्स्टेंट हम पता लगा लेंगे। देयर आर टोटल 5 इलास्टिक कॉन्स्टेंट, तो ई जी के और म्यू, ये 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट बेटा हमारे पास होते हैं, यंग्स मॉडुलस, शीयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो अगर हमें ई पता है और जी पता है तो म्यू हम ऑटोमेटिकली पता लगा लेंगे, बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन दीज। वो क्या रिलेशनशिप है मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले भी मैंने बता रखा है वो रिलेशनशिप है ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ये एक रिलेशन ये है। दूसरा एक रिलेशन ये है ई इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। तीसरा रिलेशन है ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3kg, लिखना क्या है देखो 9kg अपॉन 3k प्लस g, ये याद करने का तरीका रिलेशनशिप को। 9kg अपॉन 3kg बोल रहा हूं मैं, लिख के रहा हूं k प्लस g, एक रिदम बन जाता है, याद हो जाता है। एक फॉर्मूला और है जो मे भी शायद आपने ना सुना हो, म्यू इक्वल टू 32kg अपॉन 62kg, 32kg अपॉन 62kg, ऊपर माइनस नीचे प्लस खत्म। तो ये 4 रिलेशन होते हैं बेटा, इन 4 रिलेशन में अगर हमें कोई भी 2 इलास्टिक कांस्टेंट दे दिए जाएं तो बाकी के 2 इलास्टिक कांस्टेंट हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको 200 दे दिया ये, 80 दे दिया ये, तो आप म्यू बराबर आसानी से पता लगा लेंगे इस रिलेशन से। तो व्हाट इज द राइट आंसर, डी, क्योंकि अगर हमें यंग्स मॉडुलस और शीयर मॉडुलस पता है तो हम पॉइजन रेशियो भी पता लगा लेंगे। तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, पॉइजन रेशियो की रिक्वायरमेंट थी और ई की रिक्वायरमेंट थी। तो ई तो उसने दे दिया है, लेकिन पॉइजन रेशियो कैसे पता चल जाएगा इस रिलेशन से। तो व्हाट इज द आंसर, डी, 9kg अपॉन 3kg, 32kg अपॉन 62kg, याद रखना बेटा ये याद करने का तरीका है। 9kg अपॉन 3kg मत कर देना ऐसे करके, 9kg अपॉन 3kg, तो k से k, g से g, और ये कट जाएगा 3 बार, गलत हो जाएगा सब, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 9kg अपॉन 3kg लिखना क्या है, 3k प्लस g। चलिए वन मोर क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखते हैं कितने लोग हैं। सफाश, रामचरण, हेमंत भाई, ओके, 3 लोगों ने आंसर दिया है। सोमनाथ, अनूप सिंह का आंसर सबसे पहले आया, फिर रामचरण का आंसर आया, फिर हेमंत का, फिर सोमनाथ का। चलिए ये आंसर आया बेटा, देखते रहना आप, है ना। चलो कहां गया भाई मेरा। दोस्तों इसका आंसर है सिंपली P/A, क्योंकि हम जो भी सोम की थ्योरी पढ़ते हैं हम पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, हम अजम्पशन मान लेते हैं। क्या अजम्पशन होता है, कि जो यंग्स मॉडुलस है वो कॉन्स्टेंट है। और अगर नहीं भी है तो देखो बेटा ध्यान से, आर ऑड ऑफ, देखो ध्यान से, इसमें वेरिएबल दे रहा है एक मिनट, आर ऑड ऑफ लेंथ एल हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल लीनियरली, चलिए लीनियरली वेरी भी कर रहा है, E1 से E2 की तरफ वो जा रहा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप एट द सेक्शन। बेटा मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं जो 21 लेक्चर से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें ये बताया है कि स्ट्रेस से ई का कोई लेना देना नहीं होता। तो ई का लेना देना फिर किससे होता है साहब, ई का लेना देना डिफॉर्मेशन से होता है, स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी करा हमने, शायद स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन वही था, ये रहा, चेक करो, इसका ई अलग है, इसका ई अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसका ई 200 जीगा पास्कल दे रखा है, 206, इसका ई आपको दे रखा है 100 जीगा पास्कल, इसका एरिया सेम है, इसका एरिया सेम है,
दोनों मटेरियल अलग अलग हैं लेकिन दोनों में स्ट्रेस सेम डेवलप हो रही है, दोनों के ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप हो रही है, क्योंकि इस पे भी लोड पी लगाया आपने, इस पे भी लोड पी लगाया, इसका एरिया भी है, इसका एरिया भी है, तो दोनों में सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इसमें भी पी बाई ए स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें भी पी बाई ए स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कि ई से स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ई का लेना देना किससे होता है? ई का लेना देना डिफॉर्मेशन से होता है। हायर द वैल्यू ऑफ ई, लोअर विल बी द डिफॉर्मेशन, लोअर विल बी द ई, हायर विल बी द डिफॉर्मेशन। इसमें इसका यंग्स मॉडुलस छोटा है, कम है, 100 है, इसीलिए ये ज्यादा इलोंगेट करेगा, ये कम इलोंगेट करेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, ये याद रखना बेटा, विद इन इलास्टिक लिमिट कास्ट आयरन ज्यादा इलोंगेट करेगा। तो सेम बेटा यहां से प्रूव हो रहा है साफ साफ कि ई से कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेस का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहां गया था अब, पी बाई ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, अनदर एंड इज फ्री, इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड बाय दिस देन व्हाट इज द, देन स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज ई अल्फा डेल्टा टी एंड स्ट्रेन डेवलप रॉड इज दिस, बोथ स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप आर जीरो, स्ट्रेस डेवलप। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताइए। पोल चालू किया है मैंने, देखना है ना कितने लोग का आंसर है। हेमंत राम, हेमंत का आंसर सबसे पहले, फिर रामचरण, फिर सोमनाथ, जबूर, शोभना, शिवम, अनूप सिंह, प्रवीण, प्रवीण कुमार। देख लो भाई अपने अपने आंसर आप एक बार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा, बताता हूँ उसका आंसर है सी, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा लेकिन स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि एक रॉड है, सी केयरफुली, जो फिक्स्ड है अपने एक एंड पे बट फ्री एट अनदर एंड, दूसरे एंड पे फ्री है, ये रही साहब रॉड जिसकी लेंथ एल है, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसका टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसके टेम्परेचर को हम लोग राइज कर रहे हैं बाय द अमाउंट डेल्टा टी एज पर द क्वेश्चन। क्या होगा? इधर नहीं जा पा रही, नहीं जाने दो, इधर तो चली जाएगी एक डायरेक्शन में, चली जाएगी तो सारा एलोंगेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो टोटल एलोंगेशन हो जाएगा। इस केस में एलोंगेशन की वैल्यू होती है अल्फा डेल्टा टी एल, तो ये एलोंगेशन हो गया। एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी दोस्तों? स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होती है थर्मल के केस में? अल्फा डेल्टा टी एल, अल्फा डेल्टा टी एल डिवाइडेड बाय एल, एल से एल कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा? अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो स्ट्रेन हो गई। अब बेटा जब भी बार फ्री होती है, चाहे वो एक एंड पे हो चाहे दूसरे, फ्री होनी चाहिए, वो फ्री है, ये फ्री टू डिफॉर्म है। ये कैसी बार है? फ्री टू डिफॉर्म, ये एक ऐसी बार है जो फ्री है डिफॉर्म होने के लिए। और जब बार फ्री होती है डिफॉर्म होने के लिए तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। मैं फिर बोल रहा हूँ, 21 लेक्चर्स में मैंने थर्मल स्ट्रेस में बहुत लेवल पे पढ़ाया, जाके एक बार देखिएगा, आपके सारे डाउट थर्मल स्ट्रेस के क्लियर हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए यूट्यूब पे सारे वीडियो, 21 लेक्चर्स आ रहे हैं, सोम के मार्च में स्टार्ट किए थे। तो बेटा स्ट्रेस जीरो होगी और स्ट्रेन इतनी आ जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था? स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज जीरो, सही बात है, स्ट्रेन स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज अल्फा डेल्टा टी, सही बात है, तो सी ऑप्शन हो गया बेटा। बेटा मेरी क्लास यूट्यूब पे शाम को 6 बजे रहती है, अभी क्लास फिलहाल बंद चल रही है मेरी यूट्यूब की क्लास, अभी मैं प्लस पर क्लास ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल परसों में मैं अपना मटेरियल साइंस वाला जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटल मटेरियल सच एज सिरेमिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेहतरीन क्वेश्चन ये दिया गया दोस्तों, बेहतरीन। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
अनूप सिंह का आंसर सबसे पहला आया है, द राइट आंसर इज डी। देखिए दोस्तों, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है थर्मोसेट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक वर्ड यूज कर दिया। प्लास्टिक वर्ड यूज करते ही बच्चे कंफ्यूज होके इस वाले को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि आइडियल प्लास्टिक के लिए डायग्राम बनता है, ये पढ़ाऊंगा सब मैं आगे डिटेल में आपको, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। तो आइडियल प्लास्टिक का जो डायग्राम होता है दोस्तों वो ये होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आप आइडियल प्लास्टिक का बनाएंगे तो दिस इज द आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पर ही डिफॉर्म होता रहे। अरे बस समझ में, हाँ बेटा ये अभी डेली रहेगी 3 बजे से, 3 बजे पहला लेक्चर, फिर 4 बजे 4:15 से दूसरा लेक्चर, इसके जस्ट बाद स्टार्ट कर दूंगा, 2 क्लास लगातार है। कब तक है ये? 30 जून तक, मतलब 10 लेक्चर मैंने प्लान करे हैं अभी। अगर 10 लेक्चर में सारा सोम का प्रीवियस ईयर सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आगे फर्दर प्लान करूंगा मैं, मतलब मुझे इस बार पूरी सोम की सीरीज करा देनी है खत्म। बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी और पेपर भी धीरे धीरे बेटा आने वाला है आपका, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डायग्राम फॉर द परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। तो बेटा परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वर्ड सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इसका आंसर सी पुट करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों आपको समझना होगा थर्मोसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मोसेट। देखिए थोड़ा सा एक मजाक के मूड में आपको थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ सेट का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, सेट, सेट का एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो सेट का मतलब है जमना, जम जाना, सूख जाना। आप लोगों ने कभी देखा जो राजमिस्त्री होते हैं जो मकान बनाते हैं, ईंटें चिनते हैं, ईंट लग दिया, फिर सीमेंट लगा दिया, है ना, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं, तो वो जो राजमिस्त्री होता है वो भी पता क्या बोलता है, वो भी बोलता है सीमेंट सेट हो रहा है। मान के चलो उसने दीवार पे प्लास्टर कर दिया तो बोलेगा उससे दूर रहो, ये कल तक सेट हो जाएगा, कल तक सेट हो जाएगा, कल तक सेट हो जाएगा, मतलब क्या, कल तक वो सूख जाएगा, जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा एक तरह से। तो सेट का मतलब है जम जाना, मतलब जम चुका है वो मामला एकदम, बिल्कुल जो उसके पार्टिकल्स हैं वो जम चुके हैं। अब समझिए थोड़ा सा, मैं आपको इसको थोड़ा सा मजाक के मूड में ले जा रहा हूँ, समझिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों इमेजिन करिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई डोंट नो बेटा आप कहाँ से कौन हो क्या हो, आप लोग मुझे भी जानते भी नहीं हो, लेकिन समझिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप एक दुकान चलाते हैं या आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, और आपने अपने किसी वर्कर को, आपने अपने किसी एम्प्लॉय को एक पार्टी के पास भेजा, आप बिजनेसमैन है, आपने अपने वर्कर को दूसरी पार्टी के पास भेजा कोई सामान खरीदना आपको, तो वर्कर गया, उसने जो काम करना था कर दिया और आपको कॉल करके बोलता सर सेटिंग हो गई, सर सेटिंग हो गई, सर सेटिंग हो गई, समझिए क्या वर्ड यूज कर रहा था, वो बोलता सेटिंग हो गई। तो ये सेटिंग का मतलब क्या है, सेटिंग का मतलब है कि हमने मामला फिक्स कर लिया भाई, जिस मीटिंग के लिए मैं गया था वो सक्सेसफुल हो गई और हमने उस पार्टी से डील कर ली है और हम दोनों के बीच में मामला जम गया है। सुनिएगा, जम गया है, तो सेट का मतलब है जमना, यानी आपने अपने वर्कर को भेजा, वो दूसरी पार्टी के पास गया, उसने सेटिंग करा दी आपकी, अब आपके और उस दूसरी पार्टी के बीच में बात जम चुकी है, दैट इज कॉल्ड द सेटिंग। अब कुछ लोग यूपी बिहार के लोग होंगे दोस्तों, इस चीज को गलत डायरेक्शन में मत लेना, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का दूसरा नाम क्या होता है, सेटिंग होता है ना, क्यों होता पता है, क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि आपका और उसका जमा हुआ है, आपके और उसके बीच में एक जमाव है, आपके और उसके बीच में बात बनी हुई है, इसलिए सेटिंग बोलते हैं, माइंड इट प्लीज, जमा हुआ है। तो सेट का मतलब समझिए, सेट का मतलब जमना, सीमेंट जम रहा है, सब पार्टी से सेटिंग हो गई साहब, सर वो हमारी सेटिंग जा रही है साहब, ऐसे करके बात करते हैं हम लोग, सेटिंग का मतलब जमना। और जो चीज गर्मी से जमे, जो चीज टेम्परेचर बढ़ने पर जमे, जो चीज गर्मी से जमे, उसको बोलते हैं थर्मोसेट, क्या बोलते हैं, थर्मोसेट, जो चीज गर्मी से जमे उसको बोलते हैं थर्मोसेट। यानी एक ऐसा मटेरियल, नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, किसमें इंजीनियरिंग छुपी है, नाम में, देखना आना चाहिए बेटे, नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, थर्मोसेट, थर्मो मतलब एक तरह से गर्म, सेट मतलब जमना, तो ऐसी चीज जो गर्मी से जम जाए उसको बोलते हैं थर्मोसेट। तो बेटा वी हैव द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कभी भी आइडियल प्लास्टिक नहीं होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली एक तरह की ब्रिटल बॉडी होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, थर्मोसेट गर्मी से जो जम जाए। आप सोचेंगे सर ऐसा कौन सा क्या एग्जांपल, अब देखो एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं मैं, हालांकि टाइम खत्म हो गया, देखो सब लोग ध्यान से, बेहतरीन एग्जांपल थर्मोसेट का आपको मैं देता हूं। दोस्तों आप लोगों के घरों में, आप जो जहां रहते हो वहां कॉलोनी में, गली में,
कई बार ऐसा हुआ हो कि एक बंदा आया होगा रस्सी बेचने के लिए, रस्सी समझते हैं, रोप की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक की रस्सी। तो प्लास्टिक की रस्सी जब वो बेचने के लिए आता है, प्लास्टिक की रस्सी की बात कर रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल आपको रस्सी की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस बंदे को रोकते हो कि बोलते हो भैया 10 मीटर रस्सी दे दे मुझे, तो वो आपको उस बंडल में से, उसके पास तो सैकड़ों मीटर रस्सी होती है, उस सैकड़ों मीटर के बंडल में से वो आपको 10 मीटर नाप के काट के दे देता है, कैंची से काट देता है। तो जब वो उस रस्सी को कैंची से काटता है, जब उस रस्सी को वो कैंची से काटता है, तो उसके जो रेशे होते हैं खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, जल्दी बताइए खुल जाते हैं। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा इस तरह का, कुछ खुल जाते हैं। फिर वो क्या करता है बेटा, मोमबत्ती जलाता है और उस खुले हुए रेशों को गर्म कर देता है। जैसे ही उनको गर्म करता है तो वो जो खुले हुए रेशे थे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और उसको बेटा कभी हाथ से पिचकाने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना, इट विल बिकम वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। अब आप क्या करना, एक हथौड़ा लेना, अब वो जो जमा हुआ पार्ट था जिसको उसने गर्म किया था उस पर हथौड़ा मारना, और जो रस्सी वाला हिस्सा है उस पर हथौड़ा मारना। तो आप देखेंगे रस्सी वाला हिस्सा काफी सॉफ्ट है, मुलायम है, लेकिन वो जमा हुआ पार्ट काफी हार्ड है, और हथौड़ा मारते हुए बिखर जाएगा, टूट जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज अब वो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं रहा, वो थर्मोसेट बन चुका है, वो गर्मी से जम चुका है, और वो हार्ड एंड ब्रिटल हो गया। एग्जैक्टली बेटा, काफी सारी प्लास्टिक होती है, बिल्कुल एक तरह की प्लास्टिक नहीं है, सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक आर देयर। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, तो वो क्या कहलाएगा, थर्मोसेट। तो जो गर्मी से जम जाए वो थर्मोसेट, और थर्मोसेट कैसा होता है बेटा, हार्ड एंड ब्रिटल, जनरली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और ब्रिटल अगर मटेरियल है तो बेटा ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम क्या होता है, ये दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, हियर दिस। तो व्हाट इज द आंसर, डी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसके जस्ट फिर से यही लेक्चर कंटिन्यू करूंगा मैं 12वें क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि ये वाला टाइम तो खत्म हो चुका है, इसके जस्ट बाद एक और लेक्चर है मेरा, तो वहां पर मिलता हूँ आपसे मैं, कहीं मत जाइएगा, इसको मैं स्टॉप करूंगा, फिर दोबारा वापस आ जाऊंगा ना 5 मिनट के बाद। तो कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज को, मिलते हैं 5 मिनट बाद। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज़।